Hello and welcome to Walk the Talk. I'm Shekhar Gupta at Delhi's Chhatrapati Stadium, and my guests today, well, India's two most loved new crorepatis, and not just that, two of the strongest Indians that all of us are basking in the glory of. Sushil Kumar. Thank you. Yogeshwar Dutt. Welcome to Walk the Talk. Swagat hai aapka. Thank you. Hamari khushkismati hai aapse haath mila rahe hain aap. नहीं नहीं जी आप आशीर्वाद चाहिए मैं इसको इस देश में जहाँ 50-60 साल मेडल को तरस गए थे. हाँ बिल्कुल सर, अब अच्छा हो रहा है पहले से, और मैं मानता हूँ कि आने वाला टाइम हमारा बहुत अच्छा होगा. हाँ. स्टार्टिंग है ये तो, बीजिंग के बाद स्टार्टिंग हुई है हमारी. हाँ. तो मैं मानता हूँ आने वाला टाइम हमारा सर बहुत अच्छा होगा. आप दो इंडिया के इस टाइम सबसे सीनियर रेसलर भी हो, है ना, क्योंकि दुनिया भर में आप खेल आए, सब आपको जानते हैं, आप सबको जानते हो, उन्हीं लोगों से आप कुश्ती करते हो. ये बताओ कि जो एक कोई भी और एथलीट या स्पोर्ट्समैन हो, उससे पहलवान की लाइफ में क्या फ़र्क है? देखिए काफ़ी डिफरेंट होती है पहलवान की लाइफ. जैसे हम यहाँ पे अखाड़े में रहते हैं, 6-6 महीने घर जाए होते हैं, हो जाते हैं, हमें त्यौहार का पता नहीं कब आता है कब आता है. रक्षाबंधन पे भी बहुत कम जाते हैं. बस यही है कि हाँ, जो हमारा टारगेट है, जैसे अभी सुशील का भी, मेरा भी ओलंपिक का टारगेट था, सुशील ने ब्राउन जीता बीजिंग में. उसके बाद ये था कि हम दोनों ने कि वेट हम चाहते थे चेंज करें वेट पिछली बार बीजिंग में, पर हमने सोचा कि नहीं, एक ओलंपिक इसी वेट में, मैं 60 में, सुशील 66 में खेले. और हमने 4 साल से काफ़ी स्ट्रगल किया है, क्योंकि सुशील का दूसरा पदक है, सिल्वर मेडल है, मुझे ब्रॉन्ज मिला है, 1 से 2 पदक हुए हैं. बहुत बड़ी बात है ये, और भारतीय कुश्ती के लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि देश में अब कुश्ती का बहुत ज़्यादा क्रेज है. पर ये बताओ कि जैसे ट्रेनिंग करते हो या जो ज़रूरत होती है, आप बताओ सुशील पहलवान को और बाकी एथलीट को, उसमें क्या फ़र्क है? देखो और चीज़ों में, जैसे किसी चीज़ में स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत होती है और एथलीट होते हैं. हाँ. किसी में जैसे थ्रोवर होते हैं तो उनको पावर की ज़्यादा ज़रूरत. हाँ. है. तो रेसलिंग एक ऐसा गेम है, उसमें स्पीड भी चाहिए है, हमें पावर भी चाहिए है, और स्टेमिना भी चाहिए है, और उसमें माइंड को अपने को 2 मिनट में पूरा वर्क करना, पूरा चलाना है कि हाँ कोई गलती ना हो जाए. दिमाग भी चाहिए. हाँ बिल्कुल. बहुत ये देखिए बड़ी बात इस बार क्या हुई है, क्योंकि सारे देश ने पहली बार कुश्तियाँ देखी है. बिल्कुल. क्योंकि कुश्ती में इतना तो कभी दिलचस्पी थी नहीं. आना बिल्कुल. पहली बार सबको मालूम पड़ा कि सब ये 2 घंटे के राउंड में कैसे हो जाता है. जी. और सब इसमें अगर दिमाग तेज ना चले तो इंसान कितना भी तगड़ा हो, कितना भी ट्रेंड हो, कुछ नहीं कर सकता. और ओपोनेंट से गलती भी करानी है, ये भी माइंड से कि भी हाँ ओपोनेंट से गलती करा के हम कैसे पकड़ना है उसको. तो अच्छा मुझे कोई ऐसा आप उदाहरण दो जब आपने ओपोनेंट से गलती कराई किसी को, इन्हीं कुश्तियों में से किसी में बताओ. इसी में यही कि जो मेरी सेमीफाइनल बाउट थी जो कजाकिस्तान वाले के साथ, कजाकिस्तान के पहलवान से थी, तो वो 3 पॉइंट से मेरे से आगे हो गया था उस टाइम पे. और वो ये सोच गया बस कि हाँ 3 पॉइंट हो गए, तो 3 तो 2 मिनट में कवर होना बहुत ही मुश्किल होते हैं. और उससे यही गलती कराई कि मैंने हाँ 1 पॉइंट वो दे मेरे को कैसे ही, तो मैंने उसके जैसे ही ग्रिप ली तो उसने सोचा कि 1 पॉइंट दे देता हूँ, 1 से बच जाऊँगा. अच्छा. मगर जो मैं नीचे से टेक्निक करता हूँ, एक ईरानी दाव है, तो वो बहुत अच्छी टेक्निक मैं कर लेता हूँ. तो वो मैंने वो करने के बाद फिर लगातार उस पर 5 पॉइंट लिए मैंने, तो वो गलती मैंने उससे कराई और उसका बेनिफिट मेरे को. मतलब वो थोड़ा जैसे कहते हैं कि कंप्लेसेंट हो गया कि अभी 1 पॉइंट देना है और टाइम निकल जाएगा 20-25 सेकेंड. तो ईरानी दाव क्या होता है जरा बताओ इसको, क्या कहते हैं और कैसे लगता है? ईरानी दाव होता है नीचे पैर को मोड़ के वो दाव लगाया जाता है. क्या नाम होता है उसके, ईरानी दाव का? ईरानी ही बोलते हैं, ईरानी ही बोलते हैं उसको. और वो जो कजाकिस्तान के पहलवान को मैंने नीचे डाल के जो पीछे उठा के आपने पीछे, हाँ. नहीं वो तो पैरों में से उठा के ऊपर से उसको डाला था, मगर जो नीचे पकड़ा था ना पहले ग्राउंड रेसलिंग ग्राउंड से, तो उसको ईरानी दाव बोलते हैं. तो ये एक गलत लोगों में सोच है कि जो पहलवानी होती है ये सिर्फ दम का और स्टेमिना का गेम है, ये दिमाग का नहीं है. नहीं नहीं ये गलत सोच है, दम के साथ साथ दिमाग भी चाहिए. और मैं हम नहीं मानते कि पहलवान से ज़्यादा दिमाग को यूज करता हुआ, क्योंकि पहलवान इतना अच्छा बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, किशमिश खाते हैं, पहलवान से अच्छा कोई खाना खाता भी नहीं होगा. हाँ. और इसलिए पहलवान स्ट्रांग होते हैं मेरे ख्याल से. मैं मानता हूँ कि माइंड में कहीं भी लगा लो, वैसे भी जैसे पहलवान बहुत अच्छी बड़ी बात. हाँ. मस्त रहते हैं, किसी की चिंता नहीं, बस एक अपने गेम पे पूरा कंसंट्रेशन करना होता है, और वो करते हैं पहलवान, और उसकी याद पूरे देशवासी देख रहे हैं, हम सभी ने प्रेरित की थी और सभी के साथ. तो आप बताओ इन कुश्तियाँ जो भी हुई इनमें आपने अपने अपोनेंट से गलती कब करवाई? देखिए गलती वो टाइम होता है कि एक हाँ जैसे मैं मुझे पैरों में लगना, तो मैं पता है कि हाँ यहाँ से मैं लगूंगा तो अच्छा रहेगा. और जैसे मैं आपको बता दूँ ब्राउन मेडल की बात, नॉर्थ कोरिया वाले को जो आपने हाँ, पीछे हाँ, से पकड़ा. हाँ, हाँ, हाँ. मेरे को पता था कि मैंने उसको इतना चला दिया कि उसने गलती करने मजबूर कर दिया मैंने उसको. मैं काफ़ी फास्ट कुछ लड़ा, वो उसको नंबर ले गए फर्स्ट टाइम ना लूज किया पहले बिल्कुल,
कि हाँ स्टेमिना को बिल्कुल इसको बेकार कर दूँ और इसको पकड़ के कि फिर इसका जोर ना लगे, क्योंकि स्टेमिना जब अपने आदमी नहीं रोक पाता तो उसका जोर नहीं लगता। मतलब हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर जब हम थक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली पावर खत्म होती है। हाँ। इसलिए मैंने पहले उसको इतना थका दिया दो राउंड में कि तीसरे राउंड में अपने आप बैठ गए। सब गुरु शिष्य है ना, अभी आप तो गुरु बन गए यहाँ पे। नहीं नहीं, तो खुद रिस्पेक्ट करते हैं पहलवान है ना, सभी सबसे पहलवानों में आपको एक ये चीज देखने को मिलेगी, सभी रिस्पेक्ट करते हैं सीनियर जूनियर की, हाथ नहीं मिलाएंगे हम अपने सीनियर से, हाथ नहीं मिलाते हम पैदल हाथ लगाते हैं, ऐसे हमारे जूनियर हैं, ऐसे काफी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप तो रोल मॉडल हो गए, हर कोई चाहता है कि वो बने सुशील कुमार योगेश्वर जैसे। कई कितने यंग रेसलर आ रहे हैं इंडिया में। हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे अखाड़ों में आ गए, आप देख रहे छोटे छोटे बच्चे, आप देखोगे भी वहाँ पे यहाँ ट्रेनिंग करते हैं छत्तर साल स्टेडियम में, सतपाल जी का जो अखाड़ा है यहीं पे। जी जी। तो आपने उसको जैसे थकाया है ना, और ये बताओ कि कभी आपने क्या गलती करी, जैसे जो आप वो एक कुश्ती हारे जो रूस वाले के साथ, वो गलती करी जैसे कि मैं पहले टॉस हार चुका था, पहला राउंड आज से निकल चुका था, मैं नहीं चाहता था कि दूसरा राउंड भी टॉस पे जाए, मैं बिल्कुल डिफेंस लड़ूं, ये था कि इस राउंड में नंबर लेना है, क्योंकि ये भी अगर भाग्य के भरोसे छोड़ दिया किस टॉस के आपका फिर उसका निकल जाए। हाँ। और वो राउंड वो जो टॉस होता है उसमें फिर एडवांटेज एक जिसको टॉस ही था उसको मिलती है, रेड वो दो बॉल होते रेड ब्लू। हाँ। अगर रेड निकलती ब्लू मेरा रेड केस, तो मैं रेड निकले तो मेरी चॉइस होगी, मेरे 99% जीतने होंगे क्योंकि मैं पैर पड़े बाहर ले जाना है। हाँ। और ब्लू अगले जैसे भी जो भी कस्टम पहने उसके हिसाब से, फिर मैं नहीं चाहता कि दूसरी कुछ दूसरा राउंड भी उस पर आए, इसलिए मैंने अटैकिंग कुश्ती की उस पर और वो डिफेंसिव था, इसलिए कुछ गलती हुई पैरों में जैसे मतलब वहाँ पे गलती हुई मेरे से, उसने नंबर पॉइंट कवर किया। हाँ। बड़ा नैरो हुआ था। हाँ, पर उसके बाद मैं ट्राई की पर वो थोड़ी किस्मत उस कुश्ती में नहीं थी, नहीं तो चार कुश्ती मैंने बहुत अच्छी निकाली। हाँ। बस उस टाइम थोड़ी ही गलती हुई है। लेकिन स्टैमिना था आपका, इतनी कुश्तियाँ उसके बाद आप बिल्कुल काफी था, और अगर वो कुश्ती भी अगर तीसरे राउंड में जाती तो आई थिंक मैं जरूर जीतता, क्योंकि आपका स्टैमिना है। हाँ, काफी है मेरे में स्टैमिना। आपने क्या, आपने अपने जो फाइनल वाली को एनालाइज किया, क्या हुआ उसमें, मुस्कुरा रहे हो? फाइनल वाले में यही गलती हुई कि मैंने उसको दो बार हराया हुआ है पहले, पहले उस पर अटैक नहीं किया मैंने। हाँ। जो मैं पहले अटैक करता उस पर, तो यही गलती मैं मानता हूँ कि उस पर पहले अटैक मैं करता तो मैं जीतता हूँ, क्योंकि उसने पहले अटैक किए और फिर डिफेंस पे वो हो गया, तो डिफेंस पे ज़्यादा अटैक हम करेंगे तो और नंबर हम गवा देंगे, रिस्क हो जाता है। हाँ जी, रिस्क लेके आप खेलोगे तो अच्छा नहीं कर पाओगे। India's number one news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.